तो 5 राज्यों के परिणाम आने के बाद INDIA गठबंधन में आपसी बयानबाजी भी अब तेज हो चुकी है और खास करके जो सहयोगी पार्टियां हैं उन्होंने कांग्रेस के ऊपर सवाल खड़े कर दिए हैं। चलिए आपको बता देते हैं कि चुनिंदा वो कौन से नेता हैं जो कांग्रेस के ऊपर निशाना साध रहे हैं और उन्होंने आखिर कहा क्या क्या है। INDIA गठबंधन के अंदर तकरार, कौन कौन से नेता नहीं पहुंच रहे हैं ये हमने पहले ही आपको बताया, लेकिन इन सब के बीच सबसे पहले उमर अब्दुल्ला का बयान आपको बता देते हैं। वो ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में 5 सीट अखिलेश यादव को देना चाहिए था, मतलब अखिलेश यादव के साथ यहाँ पर उमर अब्दुल्ला दिखाई दिए, बड़ी तीखा बयान। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मध्य प्रदेश में तो आराम से कांग्रेस आ रही थी, छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस आ रही थी, लेकिन आखिरी वक्त में जो हुआ है जिम्मेदार उसकी कांग्रेस ही है। उमर अब्दुल्ला का ये कल बयान सामने आया, ये भी उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अब 3 महीने के बाद खाने पर दिल्ली में बुलाया है कांग्रेस ने, 3 महीने के बाद याद आई उन्हें हमारी। अगला बयान जो सामने आया है वो अशोक चौधरी का सामने आया है, JDU के नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस अपनी आदत की वजह से चुनाव आ रही है, लीडरशिप क्वालिटी की जरूरत है कांग्रेस के अंदर। तो साफ तौर पर ये जो निशाना है ये क्या खड़गे के ऊपर तो नहीं अशोक चौधरी का, क्योंकि वो कह रहे हैं लीडरशिप क्वालिटी की जरूरत है और राष्ट्रीय नेतृत्व तो मल्लिकार्जुन खड़गे के ही पास है। अगला बयान TMC से अभिषेक बनर्जी का सामने आया है, ममता बनर्जी तो आ नहीं रही है लेकिन अभिषेक बनर्जी ने जो कहा है वो आपको बता देते हैं। गठबंधन की बातें बोल कर नहीं काम करके किया जाना चाहिए, मतलब सहयोगी दलों को जो अलग करने की हमेशा से कोशिश रहती है कांग्रेस की, तो सिर्फ कहने से नहीं होता है, आचरण से बातें सामने आती हैं। अगला बयान KC